जैसे गाड़ी का अब रेस लूंगा उसे देखिएगा कैसे बंद हो जाएगा। आप देख रहे हैं जैसे मैं गाड़ी एक्सीलेटर ले रहा हूँ ज़्यादा तो ये वाइब्रेट करना बंद हो जा रहा है। यानी हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी की फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों हमारे पास एक कमेंट आया था जो हमारे सब्सक्राइबर किए थे, उन सब्सक्राइबर का नाम क्या था? दीपक लीजेंड लाइव सब्सक्राइबर का नाम है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो देखिए उनका कमेंट ये था कि सर हमारी जो गाड़ी है वो 60 किलोमीटर पर स्पीड पर चल रही है तो इंजन बहुत वाइब्रेट हो रही है, इसका क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो चलिए आज इस वीडियो में बताएंगे कि 60 किलोमीटर पर स्पीड पर चलती है गाड़ी तो वाइब्रेट क्यों होती है। तो बने रहे इस वीडियो में, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। तो चलिए आज हम आपको बताता हूँ, तो चलते हैं हम इंजन के पास, वहाँ से आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम होने की वजह से ऐसा समस्या आता है। तो चलिए हम चलते हैं इंजन के पास। दोस्तों देखिए हम गाड़ी के पास आ गए हैं और इंजन ये देख सकते हैं कुछ ऐसा कंडीशन है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 60 किलोमीटर पर स्पीड पर चलती है तो गाड़ी क्यों ज़्यादा वाइब्रेट करती है। देखिए क्या होती है, जब आपका गाड़ी रेस में चलती है ना तो ये आपका इंजन जो है ये जैसे कमज़ोर कहीं पड़ता है, जैसे बॉडी में कहीं झरने का शिकायत होता है, या आप देख सकते हैं ये वाला जो है रबड़ ये कट जाता है, आप देख सकते हैं इस पर पूरा इंजन टिका है। तो मैं आपको क्लियर दिखा लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो कपलिंग रबड़ है इस पर इंजन टिका है, अगर ये कटने की वजह से या गल जाता है या लूज रहता है तो इसकी वजह से वाइब्रेट इंजन करती है। और देखिए मतलब इसमें कहीं अंदर भी लगा रहता है कपलिंग रबड़ रहता है जिस पर इंजन टिकी रहती है, अगर वो कपलिंग रबड़ कटने की वजह से इंजन ज़्यादा वाइब्रेट करती है तो आप एक बार प्लीज़ चेक करा लीजिएगा मिस्त्री से ऐसे, क्योंकि अगर ऐसे स्पीड में आप चलेंगे अचानक ब्रेकर आ जाएगा ना तो वहाँ इंजन नीचे की तरफ उतरने का ज़्यादा चांस रहती है। तो देखिए मैं आपको बताया था कि मेरे साथ क्या दुर्घटना हुआ था, तो उसमें हम गड्ढा में गिरे थे तो इंजन हमारा पूरा नीचे बैठ गया था और इसका जो चेसिस था टूट गया था। तो देखिए अगर आपकी गाड़ी में ऐसा है मतलब वाइब्रेट कर रही है, इंजन स्टार्ट करने पर ज़्यादा ये वाइब्रेट कर रही है और तेज में भी चल रहे हैं जैसे 60 किलोमीटर पर स्पीड पर आप चल रहे हैं ना, तो उससे भी अगर इंजन आपका वाइब्रेट कर रहे हैं ना तो समझिए कपलिंग रबड़ ख़त्म हो गया, इंजन का जो कपलिंग रबड़ जिस पर इंजन टिका रहता है तो उस रबड़ को प्लीज़ आप चेंज करा लीजिएगा, क्योंकि अगर उसको नहीं चेंज कराएंगे ना तो आपका गाड़ी का इंजन मतलब खुलने का चांस रहता है और नीचे की तरफ गिरने का ज़्यादा चांस रहता है, तो प्लीज़ उसको चेक करा लीजिएगा। और देखिए नीचे की तरफ भी रबड़ लगा रहता है तो आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए ये चेसिस है, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो रबड़ है आप देखिए इसमें, आपको क्लियर मैं दिखाता हूँ, थोड़ा लाइट जला लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको, चलिए नीचे मैं तरफ दिखाता हूँ, ये वाला देख सकते हैं इस पर इंजन टिका रहता है, वो वाला चेसिस देखिए बेल्डिंग हम जहाँ मरवाए हैं वहाँ पर देखिए बेल्डिंग मरवाए हैं, तो इसमें एक नट लगा होगा, ये वाला नट देखिए, ये वाला जो नट है इस नट के नीचे एक रबड़ रहता है, उस रबड़ पर ये इंजन टिका रहता है, तो उसको भी कटने को वजह से ज़्यादा चांस रहता है इंजन वाइब्रेट करने का। तो आप अगर इंजन आपका वाइब्रेट कर रहा है ना तो समझिए कि मतलब कपलिंग रबड़ ख़त्म हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी टिका है, इस मतलब इंजन इस पर टिका है, तो आप उसको चेक करा लीजिएगा, अगर वो खतरा होगा तो उसको बेल्डिंग मरवा दीजिएगा, अगर नहीं खतरा होगा तो कपलिंग रबड़ जो है उसको चेंज करा लीजिएगा, अगर उसको नहीं चेंज कराएंगे ना तो इंजन आपका ज़्यादा वाइब्रेट करेगा। तो देखिए इंजन वाइब्रेट करता है तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इंजन कभी भी वाइब्रेट ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जब भी अगर वाइब्रेट कर रहा है ना तो जैसे नट उट कहीं रहता है तो खुलने का ज़्यादा चांस रहता है, तो अगर मतलब उसको वाइब्रेट करने से ज़्यादा समस्या हो सकता है, ये जो अपना आप देख सकते हैं ये भी निकलने का चांस रहता है, अगर ज़्यादा वाइब्रेट करता है तो इधर आप रेड वाटर में अगर लड़ जाएगा या फैन में लड़ जाएगा तो फैन मतलब रेड वाटर कुछ भी मतलब ख़राब से हो सकता है अगर इंजन वाइब्रेट कर रही है तो प्लीज़ इसको अगर आपकी गाड़ी में वाइब्रेट कर रही है तो उसको ठीक करा लीजिए, क्योंकि ज़्यादा अगर मतलब वाइब्रेट आपका इंजन कर रहा है ना तो ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, तो उसको आप चेंज करा लेंगे या सही करा लेंगे तो अच्छा रहेगा, यहाँ से ज़्यादा चांस रहता है वाइब्रेट करने का, क्योंकि इंजन इसी पर टिका रहता है, इस पर पूरा इंजन टिका रहता है, ये नट आपका ढीला हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा नट तो ये इसको मतलब वाइब्रेट करने का ज़्यादा चांस रहता है। तो ये एकदम गाड़ी का मेन पोजिशन है, तो आप देख सकते हैं यह रबड़ अभी कटा नहीं है तो मेरा इंजन तो ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करता है लेकिन अच्छा चलता है। तो चलिए मैं आपको गाड़ी को स्टार्ट करके एक बार दिखा देता हूँ इंजन मेरा वाइब्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे गाड़ी का जो इंजन है वो बिल्कुल चालू हो गया है,
और यहाँ से आप देख सकते हैं इंजन को जो मतलब ऐसे देख रहे हैं, जैसे हम मैं आपको कुछ यहाँ पर रख कर दिखा रहा हूँ कि मतलब कितना ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला जो है इसमें ज़्यादा वाइब्रेट, कोई ज़्यादा खास वाइब्रेट नहीं कर रहा है, और देखिए मतलब बहुत अच्छा तरह से ये रुक रहा है। आप देख सकते हैं इतना तो इंजन मतलब चालू रहता है तो वाइब्रेट करता है, इतना करता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए जैसे मैं रेस ले रहा हूँ मतलब वाइब्रेट करना ही बंद हो जा रहा है। तो देखिए अगर इसे छोड़ देंगे ना तो गाड़ी का वाइब्रेट थोड़ा रहता है, लेकिन आप रेस लेंगे ना तो उस समय वाइब्रेट नहीं करता है गाड़ी। तो देखिए मैं रेस कर रहा हूँ, वाइब्रेट जो है जैसे मैं रेस बढ़ा रहा हूँ ना तो वैसे ही वाइब्रेट करना ये बंद हो जाता है। देखिए अभी हिल रहा है ना, मैं जैसे गाड़ी का अब रेस लूँगा उसे देखिएगा कैसे बंद हो जाएगा। आप देख रहे हैं जैसे मैं गाड़ी इस मीटर ले रहा हूँ ज़्यादा तो ये वाइब्रेट करना बंद हो जा रहा है, तो यानी मेरी गाड़ी का जो वाइब्रेट है वो एकदम मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।